हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीबीएल दैट इज दिलीप बिल्डको लिमिटेड के क्वार्टर 421 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड देख लेते हैं जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए रिकमेंड किए हैं। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए ₹1 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है। कंपनी के शेयर का प्राइस है 500 के अराउंड, तो कंपनी ने अपने शेयर प्राइस पर अराउंड 0.2% का डिविडेंड रिकमेंड किया है, और यह डिविडेंड के शेयर होल्डर को तभी मिलेगा जब आने वाली एजीएम में यह डिक्लेयर किया गया। तो चलिए अभी डायरेक्ट रिजल्ट पे चलते हैं। हम देखिए, यह कंपनी के करंट क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 421 के रिजल्ट है, यह पिछले क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 321 के रिजल्ट है, यह पिछले साल सेम क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 420 के रिजल्ट है। हम इस क्वार्टर के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे कि इस क्वार्टर के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, और जहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है ₹3 लाख। तो चलिए सबसे पहले कंपनी की इनकम देखते हैं। जो टोटल इनकम है इस क्वार्टर की वो है 314,347 लाख रुपए, पिछले क्वार्टर की थी 2,75,892 लाख रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 2,74,047 लाख रुपए। तो हम यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें, दोनों के बेसिस पे कंपनी की इनकम अच्छी खासी इंक्रीज हो गई है। अभी देख लेते हैं खर्चे। इस क्वार्टर के जो टोटल खर्चे हैं वो हैं 2,90,253 लाख रुपए, पिछले क्वार्टर के थे 2,55,072 लाख रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर के थे 2,54,857 लाख रुपए। एंड प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स है वो है 24,093 लाख रुपए का, पिछले क्वार्टर का था 20,820 लाख रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 19,199 लाख रुपए। एंड एक्सेप्शनल आइटम भी देख लेते हैं। एक्सेप्शनल आइटम की वजह से इस क्वार्टर में कंपनी को गेन हुआ है 1,143 लाख रुपए का, पिछले क्वार्टर 262 लाख रुपए का लॉस हुआ था, एंड पिछले साल सेम क्वार्टर में 6,725 लाख रुपए का गेन हुआ था। तो यदि प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखे कंपनी का इस क्वार्टर का, वो 25,237 लाख रुपए, पिछले क्वार्टर का था 20,557 लाख रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 25,915 लाख रुपए। एंड प्रॉफिट फॉर द पेड जो है इस क्वार्टर का वो है 16,875 लाख रुपए, पिछले क्वार्टर का था 18,191 लाख रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 19,097 लाख रुपए। तो यदि फ्रेंड हम नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिक्रीज हो गया है एंड ईयर ईयर बेसिस पे भी डिक्रीज हुआ है। पर फ्रेंड यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम देखें तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा है एंड ईयर ईयर बेसिस पे भी अच्छा है। तो फर्क क्या पड़ा, तो देखिए फ्रेंड, एक तो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से पिछले साल कंपनी को 6,725 लाख रुपए का गेन हुआ था, जिसकी वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका प्रॉफिट कुछ ज्यादा बढ़ गया था, और इस क्वार्टर में कंपनी को कुछ ज्यादा ही टैक्स लग गया, पिछले क्वार्टर से भी एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी टैक्सेस ज्यादा लगे, इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिजल्ट अच्छे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छे हैं। अभी देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। इस क्वार्टर का जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो है 13.61 रुपए, पिछले क्वार्टर का था 13.32 रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 13.97 रुपए। तो यदि अर्निंग पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अर्निंग पर शेयर अराउंड 30 पैसा पर शेयर इंक्रीज हो गया, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो 30 पैसा पर शेयर डिक्रीज हो गया है। तो अर्निंग पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंपनी के फ्लैट से लग रहे हैं, कुछ खास फर्क नहीं है। ओके थैंक्स।